अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेक श्योर यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी कवर चैप्टर 10, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, फ्रॉम वेयर प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो हमारे पास जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वो सॉइल से करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स अमंग द फॉलोइंग। सो आपके पास एक टेबल दिया हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसमें पोटेशियम सल्फर फॉस्फरस मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जबकि आयरन जिंक वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम सल्फर सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम कैल्शियम के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, वो आयरन कोबाल्ट कॉपर मैग्नीज जिंक बोरॉन फ्लोरीन आयोडीन। सो ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी। टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 3, इन विच मिनरल डिफिशियंट सॉइल कार्निवोरस प्लांट टिपिकली लाइव। सो कार्निवोरस प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट की। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, वहाँ पे ये नहीं करता है। सो कैसे पूरा करता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को, कि इंसेक्ट को ये हमारे पास कैप्चर कर लेता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज। सो वो हेलोफाइट्स कहलाता है, जीरोफाइट्स होता है, स्टेप हिल्स वगैरह पे जीरोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो जो वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और मेसोफाइट्स वो होते हैं जो ग्रोइंग एरिया होता है वो मॉडरेट होता है। सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी हेलोफाइट्स, करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 5 है, द कॉज ऑफ कलर ऑफ लीव टर्न्स इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन इज द डिफिशियंसी ऑफ। ये आपकी डिफिशियंसी का एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि जब पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है सो हमारे पास लीव का कलर होता है वो हमारे पास होता है डल या ब्लूइश ग्रीन। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नंबर 6 है हमारे पास, विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हायर प्लांट सिंथेसाइज एट द अपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। सो ये आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में मेंशन है कि ऑक्सीजन हायर प्लांट्स में जो सिंथेसाइज होता है अपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट पे, वो IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड। एंड ये ही हमारे पास फर्स्ट ऐसा प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था वेरी फर्स्ट टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 7, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज इनटू सी वेलमेन स्टेप कॉमनली कॉल्ड। ये फ्लोएम लोडिंग कहलाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है सक्रोज की डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। सो ये स्टेप होता है फ्लोएम लोडिंग का। नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 8, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज कॉल्ड। सो वो कैपेसिटी लिविंग सिस्टम की कि वो वाटर को लूज कर सके, वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, द फंक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ। सो हमेशा याद रखिएगा कि लेटरल अपेंडेजेस जो है ना वो डिपेंड करती है एपिकल मेरिस्टम पर। जब एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ हो रही होती है तो लेटरल मेरिस्टम की ग्रोथ रुक जाती है, और जब लेटरल मेरिस्टम की ग्रोथ होने वाली होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ हमारे पास रुक गई है। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। हमेशा याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टम जो ग्रोथ होती है उसमें हमारे पास लेंथ है वो इंक्रीज होती है हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टम में। ये हमारे पास होता है अपाइसिस रूट एंड स्टेम की अपाइसिस पे। अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की, सो लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है और ये विथ में प्लांट को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैंने सोचा कि बताऊं। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। सो इसका आंसर वर्नलाइजेशन होगा, जिसमें हमारे पास प्रमोशन होती है फ्लावर्स की कोल्ड ट्रीटमेंट के जरिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। If you have any query regarding this MCQ, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.